यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट का वहाँ पे जो विजिट है इंडिया का, उसका क्या मकसद है और उसमें क्या कुछ हासिल हो सकता है उनको भी और इंडिया को भी, हम ये पूछना चाहेंगे। बल्कि इसी के साथ आपकी तरफ एक विजिट जो हो रहा है उसी के साथ हमारी तरफ एक विजिट होना था, प्रेसिडेंट ऑफ यूएई ने यहाँ पर आना था लेकिन वो कैंसिल हो गया। कि पाकिस्तानी आवाम टैंकों के आगे नहीं पीछे लेट जाएगी, वापस नहीं जाना, ये बूट चाट कौम है, ये आज भी अपने बर्बाद करने वाले जालिम को बचा रहे हैं। जी आपने बोली वीडियोस नहीं देखी, हमारी फौज नंबर वन है दुनिया में, हमारी एजेंसीज नंबर वन है, आप कहां पर आप कह रहे हैं आपके सब कुछ नंबर वन। चलिए सान, पाकिस्तानियों की नजर में पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की नंबर वन है और आईएसआई दुनिया की नंबर वन है। अब आईएसआई दीपिका पाडुकन जैसे ऑफिसर्स होंगे जब आईएसआई के पास, तो नंबर वन ही होगी ना, क्योंकि वो डांस ठुमके लगा के आईएसआई की लड़कियां अब आईएसआई को नंबर वन पोजीशन पे लाएंगी तो होगा। आज देखिए ना, अगर भारत यूएन में नहीं है तो किस किसकी औकात है यूएन में बैठने की? मैं अमेरिका को हटाऊं, चाइना को हटाऊं और बाकी जो दो कंट्री है उनका भारत से कोई मुकाबला नहीं, स्टैचर उनका भारत से, पर वो P5 मेंबर है। हम भी अभी तो सौदक पहुंचने में बड़ी देर है ना, तो दूसरा ये कि मैंने आपसे जो सवाल किया था वो ये था कि वो वैसे हमने देखा कि इस तरह। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया टाइम। दोस्तों हाल ही में 3 दिन के दौरे में आया है इंडिया में UNGA का प्रेसिडेंट। दोस्तों 2023 में SCO का मीटिंग भी इंडिया में होने वाला है, G20 का मीटिंग भी इंडिया में होने वाला है, वही इंडिया में आने के लिए होर लग गया। पाक मीडिया डिस्कशन कर रहे हैं हमारे पास UAE का किंग आने वाला था लेकिन आतंकवादी हमला हुआ पेशावर में तो कैंसिल हो गया। दोस्तों आज भारत का रुतबा इतना बड़ा हो गया कि हर कोई इंडिया के साथ अच्छा रिश्ते ही चाहता है। दोस्तों आइए आगे का चर्चा सुनते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। प्रेसिडेंट का वहाँ पे जो विजिट है इंडिया का, उसका क्या मकसद है और उसमें क्या कुछ हासिल हो सकता है उनको भी और इंडिया को भी, हम ये पूछना चाहेंगे। बल्कि इसी के साथ आपकी तरफ एक विजिट जो हो रहा है उसी के साथ हमारी तरफ एक विजिट होना था, प्रेसिडेंट ऑफ UAE ने यहाँ पर आना था लेकिन वो कैंसिल हो गया और उसकी बहुत सारी वजूहत सामने आ रही। तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि ये जो विजिट है जिसको ये कहा जा रहा है कि ये उनका फर्स्ट बायलैटरल विजिट है कहीं का, तो आखिर उन्होंने ये क्यों समझा या इसकी कितनी सिग्निफिकेंस आप देख रहे हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मल्टीलैटरल जो इश्यूज हैं वो उसके पर बात होगी, बायलैटरल इश्यूज पर बात होगी, प्लीज आप हमें जरा बताइएगा कि इसमें वो क्यों तशरीफ लाए आपकी तरफ। जो उसके आलिया जी, तो ये बताता है इंडिया का बढ़ता हुआ वर्चस्व जियोपॉलिटिक्स में, इंडिया का बढ़ता हुआ स्टैचर जियोपॉलिटिक्स में। G20 की प्रेसिडेंसी है, SCO की प्रेसिडेंसी है, उन्हें अभी वो लोगों से यहाँ मिलेंगे, उसके बाद वो बैंगलोर जाएंगे, वहाँ ISSC में मिल जाएंगे, डेवलपमेंट देखेंगे। आज वो हमारे जो राष्ट्रपिता है, आज उनका शहीदी दिवस है महात्मा गांधी जी का, वहाँ गए थे, उनके स्मारक पर उन्होंने फूल चढ़ाए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन अफेयर्स के लोगों से मिले, डेलीगेशन से मिल रहे, लोगों से मिल रहे। तो 3 दिन का विजिट यूजुअली बड़ा विजिट माना जाता है क्योंकि अभी जो सारी जियोपॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, जो जियोपॉलिटिकल सेंटर अभी है हर चीज़ का, वो इंडिया हो रहा है आने वाले टाइम में। और यहाँ पे महात्मा गांधी जी का आज डेथ एनिवर्सरी भी थी, वो भी एक रीज़न था, बैंगलोर का विजिट था, G20, SCO की प्रेजिडेंसी, काफ़ी जियोपॉलिटिकल चेंजेस जो हो रहे हैं उसका एपी सेंटर इंडिया में। और आप ये मत बोलिए कि इंडिया इज़ द ओनली इकोनॉमी विच इज़ अ शाइनिंग स्टार इन द वर्ल्ड रिसेशन टुडे। इंडिया एक ही इकोनॉमी है जो ग्रो कर रही है, इंडिया एक ही इकोनॉमी है जो रिसेशन में नहीं है, इंडिया एक ही बिग बड़ी इकोनॉमी है जो 7-8% तक ग्रो करेगी, और ऐसा कोई है नहीं। और इससे ये दर्शाता है कि उन्हें सबसे पहले ज़रूरत आनी पड़ी इंडिया ने की, और इंडिया वन ऑफ द हाईएस्ट पीस कीपर्स भी देता है यूनाइटेड नेशंस में और बहुत टाइम से दे रहा है, और इंडियन पीस कीपर्स का बड़ा अच्छा नाम है। तो अगर आप इकोनॉमिक देखिए, सोशियो इकोनॉमिक देखिए, पॉलिटिकल देखिए, जियोपॉलिटिकल देखिए, और जितनी भी मूवमेंट्स है वो इंडिया में हो रही है, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं इंडिया आता हूँ, यहाँ अपना एक जान पहचान, एक अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करता हूँ। और अगर आप रशियन यूक्रेनी वॉर की भी देखें तो कहीं ना कहीं मीडिएशन तो इंडिया, मोदी जी को कह रहे हैं सबके भाई आप मीडिएट करके इसको खत्म कर दो। और आप रशियन यूक्रेनी वॉर के दुनिया भर में आप इंपैक्ट देख रहे हैं, रिसेशन हो रहा है, रिट्रेचमेंट हो रही है, गूगल तक को लोग निकालने पड़ रहे हैं। तो ये जो मैं आपके चैनल पे काफी बार प्रेडिक्ट कर चुका था कि एक बार मैंने किसी चैनल पे बोला था गूगल में भी रिट्रेचमेंट होगा, तो लोगों ने मुझे गूगल की बैलेंस शीट उठा के DM कर दी। तो मैंने कहा ये बैलेंस शीट धरी की धरी रह जाएगा, तुम देखना रिट्रेचमेंट होगा, क्योंकि मार्केट चलता है सेंटिमेंट ओवरऑल मार्केट का खराब है, सेंटिमेंट कोई अच्छा है नहीं। तो ये सब चीज़ों के होते हुए आलिया जी ये ज़रूरी हो गया था कि वो यहाँ आए, वो यहाँ अपने सबसे मिले, डॉक्टर जयशंकर से मिले, और मुझे पता नहीं कि वो प्रधानमंत्री जी से मिल रहे नहीं मिल रहे, अभी उसके मेरे पास कोई कंफर्मेशन है नहीं, उस प्रधानमंत्री जी से भी मिल रहे। खैर MEA में तो उनका बड़ा अच्छा स्वागत हुआ, ये हुआ, तो ये और ये कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि उनका एक रिस्पेक्ट, उनका एक स्टैचर को सलाम, जिसे हम कहते हैं स्टैचर को सलाम, आप स्टैचर हो, मैं आया आपके यहाँ, ये नहीं कि हमें इस चीज़ का गवर्नमेंट है, ये नहीं कि हमें इस चीज़ का अहंकार है, बट ये एक कहते हैं यू डोंट डिमांड रिस्पेक्ट, यू कमांड रिस्पेक्ट, इट इज़ अ सिचुएशन वेर यू आर कमांडिंग रिस्पेक्ट, यू आर नॉट डिमांडिंग, नहीं आपको हमारे पहले आना पड़ेगा। तो ये आ रहे हैं। और अगर आप देखिए, अगर आप पिछले 2 साल से देखिए, जैसे कोविड की थोड़ी परिस्थिति घट गई है, हल्की हो गई कोविड, अब देखिए हमारे यहाँ हर हमेशा कोई ना कोई आया होता है। मैं तो ये मानता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जो काम करता है उसकी तो सैटरडे संडे का उसकी कोई छुट्टी नहीं है, पूरे 365 दिन या तो कोई आया हुआ होता है या हम कहीं गए हुए होते हैं। और डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर जयशंकर साहब को देखें, उनके पास भी टाइम नहीं होता, आपको कभी वो छुट्टी पर नहीं दिखेंगे, कभी वो आपको वो दिल्ली में या तो किसी ना किसी के साथ दिखेंगे या कहीं ना कहीं दिखेंगे। तो अब डॉक्टर साहब जाएंगे तो पूरे मंत्रालय, जो पूरी मिनिस्ट्री, उनको भी सचेत रहना पड़ता है, और खासकर जब कोई यहाँ आता है
उसके संदर्भ में भी तो और भी चीजें और भी तैयारी करनी पड़ती है। जब मिनिस्टर साहब जाते हैं डेलीगेशन में जाता है, हमने बिलावल भुट्टो जरदारी को भी तो इन्वाइट किया है अभी एससीओ के लिए, आप देखते हैं उनका पाकिस्तान से भी कुछ उसका कंफर्मेशन आया नहीं, और देखते क्या होता है क्या नहीं होता, क्या इनकी तरफ से जवाब आता है। अभी तक सोचो विचार में पड़े हुए हम बहुत ज्यादा, जिस तरह मैंने कहा वो आप सही कह रहे हैं, आपकी तरफ तो कोई ना कोई आया ही रहता है, तो आपकी तरफ ये प्रेसिडेंट आ रहे थे यूएनजीए के, तुम्हारी तरफ यूएई के प्रेसिडेंट आ रहे थे, हमने कहा हमने बड़ा खुश हुआ कि चले कोई बात नहीं कोई इधर भी आ रहा है, तो पता ही चला कि जो कुछ हुआ है पूरा दिन तो वो उनका तो विजिट ही कैंसिल हो चुका है। अब वो दहशतगर्दी के बिना फिर वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर बात हुआ कि क्योंकि ये बात कही जाती है कि इंडिया यूएनएससी में एक परमानेंट मेंबर के तौर पर जो है वो अपनी हैसियत समझता है और चाहता है, तो आप समझते हैं कि ये जो परमानेंट मेंबर होने के लिए कोशिश हो रही है तो उसकी भी एक कड़ी उनके विजिट से मिलती है, उस सिलसिले में भी बातचीत हुई या होगी? देखिए यूएनएससी में भारत का जो परमानेंट सीट की बात है, सबसे पहले देखिए जब यूएनएससी बना था तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद बना था, तब एक यूरोप सेंट्रिक वर्ल्ड थी, वर्ल्ड जो थी वो यूरोप सेंट्रिक थी, तभी आप देखेंगे कि इसमें ज्यादातर यूरोपियन पावर है P5 में, एक यहाँ का वहाँ का अमेरिका हटा दीजिए और नीचे का चाइना हटा दीजिए, वैसे सीट तो हमें मिली थी, हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने वो चाइना को दे दी, तो इनको हटा दीजिए, बाकी तीनों देश यूरोपियन है। अगर आप रशिया को निकाल दें, बाकी जो दो देश हैं उनकी औकात मिलकर भी हमारी जितनी नहीं है। आज हम वर्ल्ड की थर्ड बिगेस्ट आर्मी रखते हैं, थर्ड हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखते हैं, 20% आबादी, यूएन में सबसे ज्यादा पीस कीपर्स हमारे हैं, हम पेट्रोकेमिकल्स में नंबर 4 हैं, अब तो हम जो इथेनॉल बना रहे, जो ये इथेनॉल कह रहा हूँ, इथेनॉल ब्लेंडिंग में हम नंबर 1 है, और ये जो आज हम एविएशन फ्यूल बनाते थे, एक टाइम हम नेट इंपोर्टर थे, हम एक्सपोर्टर बन गए। तो अगर आपने बोली वीडियो नहीं देखी, हमारी फौज नंबर 1 है दुनिया में, हमारी एजेंसी नंबर 1 है, आप कहाँ पर आप कह रहे हैं आपके सब कुछ नंबर 1। चलिए उसमें मैं कह रहा हूँ कि ये जो इकोनॉमी में हम कह रहे हैं, मिलिट्री में हम कहें और हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कहें, हम इकोनॉमी में कहें, सबसे ज्यादा यूथ हमारे यहाँ, सबसे ज्यादा इंजीनियर डॉक्टर हम बनाते हैं, दुनिया की 20% पॉपुलेशन, हम सबसे ज्यादा पीस की पर्सन देते हैं, पेट्रोकेमिकल्स में नंबर 4 है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, एग्रीनरी ऑफ द वर्ल्ड, स्पेस में सुपर पावर है, तो मैं आपको ऐसी चीजें गिनाता रहूंगा जहाँ वी आर नंबर 1। आपको बता ही रहा हूँ कि पाकिस्तान की पब्लिक इंतहाई बेगैरत पब्लिक है, दुनिया का कोई भी छोटा सा भी गैरतमंद मुल्क होता तो अब तक पब्लिक GHQ कोर कमांडर ऑफिस के सामने धरने देके बैठी होती। श्रीलंका की आवाम गैरतमंद थी, जरा मामला खराब हुए, पाकिस्तान के श्रीलंका से ज्यादा हालात खराब है, ये जैसे तैसे लेपा तोपी करके बैठे हुए हैं। श्रीलंका में जरा मामला खराब हुए, पब्लिक गैरतमंद थी, जाके गिरेबान से पकड़ पकड़ के प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस से लोगों को निकाला, मिनिस्टरों को निकाला, ये बेगैरत आवाम है। तो ये किसी ने पोस्ट की है कि बेहतर है कि हम किराए पर श्रीलंका से लोगों को लेके आए ताकि वो कम से कम यहाँ पे प्रोटेस्ट करें और इनको निकालें बाहर। तो भाई साहब श्रीलंका की पब्लिक भाड़े की पब्लिक नहीं है, यहाँ पे हर चीज़ भाड़े पे मिलती है, ये बेगैरत मुल्क है। जिसका हाल ये है कि कल एक बच्चा एक दुकान में गया, वहाँ से सामान खरीदने के लिए कुछ चीज़ें उठाई तो किसी ने उसको चोर बोल दिया कि ये तो चोरी करके भागने की तैयारी कर रहा था, इसको पकड़ के, बच्चा है छोटा सा, उसको खूब मारा पीटा, पूरा मार्केट जमा हो गई, वो पूरी मार्केट में इसको मारते हुए घुमाया फिराया, बच्चे के बाप को पता चला, बच्चे का बाप आया, बच्चे के बाप ने सारे दुकानदारों को कहा कि बताओ तुम लोगों को क्या क्या सामान चोरी किया है, क्योंकि सबने कहा हमारी दुकान से भी चोरियां करता रहता है ये। उसने उसी वक्त अपने बच्चे को सबको पैसे देकर छुड़ाया, घर आया, बच्चा इतना स्ट्रेस में था कि अब सारी जिंदगी मुझे चोर बोला जाएगा, वो दरिया में जाकर छलांग मार ली और मर गया। बाद में इसकी बहन के तकिए के नीचे से ये पर्ची मिली है कि आई लव यू माई सिस्टर। ये इस माशरे का हाल है, जो अरबों खरबों खा गए उनको ये पकड़।